तो गाइस, तो पिछले क्लास में हमने छह ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में देखा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे जो पहला हम लोग का था वो क्या था, साइन थीटा। क्या था? साइन थीटा। ये क्या होता है हम लोग का? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। दूसरा हम लोग का क्या था? कॉस थीटा। क्या था? कॉस थीटा। कॉस थीटा हम लोग का क्या था? बेस बाय हाइपोटेनस। क्या था? बेस बाय हाइपोटेनस। तीसरा जो हम लोग का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो था वो था टेन थीटा। क्या था? टेन थीटा। और टेन थीटा हम लोग का क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है फ्रेंड्स। चौथा हम लोग का क्या था? कॉट थीटा। क्या था? कॉट थीटा। इसको क्या बोले थे कि ये क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर। क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर। और हम लोग का पांचवा क्या था? सेक थीटा। क्या था? सेक थीटा। ये क्या बोले थे हम लोग कि हाइपोटेनस बाई बेस होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और हम लोग का जो छठा ट्रिगोनोमेट्रिक था वो क्या था? कॉसेक थीटा। ये क्या था? कॉसेक थीटा। और ये हम लोग का क्या बोले थे कि हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो एक्चुअली जो ये छह ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं इसमें से तीन जो हम लोग का प्राइम था, ठीक है, उसके अलावे जो ये था ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल था। टैन का उल्टा कॉट था, कॉस का हम लोग का रेसिप्रोकल सेक था, और साइन का रेसिप्रोकल हम लोग का कौन सा था? कॉसेक, ठीक है फ्रेंड्स। साइन का रेसिप्रोकल कौन सा था? कॉसेक था। दैट मीन्स इसको हम लोग ऐसे भी बोले थे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हम लोग का क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलरली कॉस थीटा इंटू हम लोग का सेक थीटा क्या हो जाएगा? फिर से वन हो जाएगा। और टेन थीटा इंटू हम लोग का कॉट थीटा क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तीन मेजर फॉर्मूला था जो हम लोग सीखे थे कि साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, और टेन और कॉट क्या होता है? एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। इस छह ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में देखे थे हम लोगों ने। तो अब ये जो पी बाय एच होता है, बी बाय एच होता है, तो कभी कभी शुरू में क्या होता है कि याद करने में हम लोगों को दिक्कत होती है, ठीक है। क्या होती है? दिक्कत होती है। तो इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं शॉर्टकट तरीके से? तो एक इंपॉर्टेंट लाइन होता है कि जैसे इसको हम देखिए क्या बोलते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या एक लाइन हम लोग याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। इसका क्या मतलब है? जो सबसे पहला हम लोग का क्या था? साइन था। सबसे पहला हम लोग का क्या था? साइन था, साइन थीटा था। नेक्स्ट हम लोग का क्या था? कॉस थीटा था। उसके नेक्स्ट हम लोग का क्या था? टेन थीटा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल हम लोग का क्या था? कॉसेक थीटा था। कॉस का रेसिप्रोकल हम लोग का क्या था? सेक थीटा था। और टेन का रेसिप्रोकल क्या था? कॉट थीटा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे हमको साइन थीटा पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा पूछे तो बेस बाय हाइपोटेनस। टेन थीटा पूछे तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से हम लोग याद करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी कि किसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये हम लोग का बस एक शॉर्ट ट्रिक है कि इसको कैसे हम लोग याद करेंगे। तो ये लाइन क्या है कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। तो जो ये पी है हम लोग का क्या दिखाएगा? परपेंडिकुलर को, बी बेस को, और एच क्या दिखाएगा? हाइपोटेनस को, ठीक है। जैसे हमको कॉसेक थीटा चाहिए तो बस उल्टा कर देंगे, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा चाहिए तो हाइपोटेनस बाय बेस, और कॉट थीटा चाहिए तो बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको आसानी से याद कर सकते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को हम लोग कैसे याद करेंगे? हाउ टू मेमोराइज द डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये याद करने का तरीका था किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे हम लोग कहीं पे लिखते हैं ऐसा साइन थीटा, दैट मीन्स साइन और थीटा ये मल्टीप्लाई नहीं है। दैट मीन्स कहीं पे अगर हम लोग को ऐसा लिखा रहे साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, दैट मीन्स कॉस और ये थीटा क्या है? मल्टीप्लाई नहीं। तो यहाँ से हम लोग थीटा और थीटा को काट नहीं सकते, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम लोग का गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। कहीं पे साइन इंटू अगर थीटा लिखा हो तो ये थीटा हम लोग का क्या होता है? आर्ग्यूमेंट होता है, ये इसमें मल्टीप्लाइड नहीं है। साइन और थीटा क्या होते हैं? एक दूसरे से मल्टीप्लाइड नहीं होता है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं होता, ठीक है। इसको ध्यान, कहीं पे भी हम इसका यूज नहीं कर सकते। जैसे टेन इंटू थीटा, ये मल्टीप्लीकेशन, टेन और थीटा मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, ये बस टेन का क्या है? आर्ग्यूमेंट है। टेन का क्या है? जैसे हम लोग लॉग में पढ़े थे
कि लॉग के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे सपोज दैट एक्स लिखते हैं, तो लॉग और एक्स ये मल्टीप्लाई नहीं है, बस लॉग के अंदर क्या है ये आर्ग्यूमेंट, क्या है ये आर्ग्यूमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन सब चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को हमको ध्यान रखना है कि टेन और थीटा मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में नहीं है, टेन और ये साइन और थीटा मल्टीप्लाइड नहीं है। और इसको हम लोग कैसे याद करेंगे कि साइन थीटा चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा चाहिए तो बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा चाहिए तो परपेंडिकुलर बाय बेस, या सिमिलरली हमको कॉट थीटा चाहिए तो बेस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा चाहिए तो हाइपोटेनस बाय बेस, और कॉसेक थीटा चाहिए तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, ये था शॉर्ट ट्रिक्स कि हम लोग कैसे इसको याद करेंगे। थैंक यू, अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।